गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज दिन भर की सुबह की दिनचर्या निपटा के अब हम जा रहे हैं मार्केट, और ये देखिए मेरे साथ है भाभी, ये हम दोनों की जोड़ी हर जगह जाती है, ये तो भागते रहते आते नहीं है कैमरे के सामने तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो रास्ते से आपको अपना मार्केट दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अच्छा, उधर आ गई हाँ बता दो। तो ये देखिए अभी हम चल रहे हैं, गाड़ी में बैठने वाले हैं। तो ये है गाड़ी हमारी, चलो चलते हैं, और आपको जाते हैं आपको रास्ते में मार्केट का व्यू भी दिखाऊंगी। चलो भाभी बैठो। हेलो, दूध लेके आओगे ना तो चाबी गर्म होगी। चले चलो, कि धूप भी नहीं आ रही ना। यहाँ पे चिनाली का बाईपास बना है, अभी जो हम ऊपर को जाएंगे वो ऑल वेदर बनी है नई वाली, और यहाँ से ये जा रहे सीधे गंगोत्री के लिए। ये देखिए हम चले गए ऊपर, ये जा रही है रोड ऋषिकेश, ये बीच में हमारा मार्केट पड़ता है, ये है ऑल वेदर नई रोड। अभी इस बार यात्रा यहीं से ही चली है, नीचे से नहीं आई इस बार। बरसात में ये रोड भी टूट जाती है, भले ये बन गया ऑल वेदर लेकिन अभी बारिश तेज होगी तो ये भी टूट जाएगा। ये अभी बनाया गया है फिर से दोबारा, पूरा गिर गया था नीचे। सामने देखिए कितने सारे क्लाउड्स हैं, कितना हसीन मौसम हो रहा था आज का। ये है चिनाली शॉर्ट, हाँ ये देखिए इधर, इस इधर का उधर जो ऊपर आपको गांव दिख रहा है ना, ये जूम करके बताऊं आपको, ये है चिनाली गांव, ये है चिनाली गांव, ये है ऑल वेदर रोड। यहाँ से लोगों के खेतों को काट के फिर ये रोड बनाई गई है। अभी यहाँ पे एयरपोर्ट भी आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी, एयरपोर्ट आने वाला है। ये देखिए ये है एयरपोर्ट, जूम कर लूँ मैं इसको, थोड़ा बस। ये देखिए इसका रनवे 1 किलोमीटर है, अभी ये प्रोसेसिंग में है, वैसे डेली यहाँ से फ्लाइट जाती है देहरादून के लिए, और बड़ा बनाया जाएगा। यहाँ पर आर्मी कैंप के लिए भी बनाया जा रहा है, फिर से यहाँ पर कटिंग करके आर्मी एयरबेस बनाया जाएगा यहाँ पे, अभी प्रस्तावित हुआ है अभी मामला। अभी देखो ये देखिए अभी यहाँ पे है नहीं कोई, फ्लाइट होगी तो बताती मैं आपको। ये देखिए, और वो सामने आपको दिख रहा है वो बड़ी सी बिल्डिंग, ये है हमारे बच्चों का स्कूल, मेरी माता स्कूल, यहाँ पढ़ते हैं हमारे बच्चे, ये है कॉन्वेंट स्कूल यहाँ का। आपको दिखाऊं, यह है पूरा चिनाली
और मार्केट, ये सुली ठांग है सर, है ना? हाँ, ये आगे सुली ठांग है, अभी चिनाली सर नहीं आया है। ये है गांव, तो ऊपर है चिनाली, ये पूरा ऊपर जो गांव दिख रहा है ना, ये चिनाली गांव है इधर, और ये जो सामने आपको दिख रहा है इधर, ये सुली ठांग है। ये देखिए, हमारा गांव खूबसूरत। ये है चिनाली गांव, पूरा चिनाली गांव। चिनाली गांव लेफ्ट साइड में है रोड के, और इधर राइट साइड में सुली ठांग है। अभी हम जा रहे हैं नीचे मार्केट में, हम आपको लेके जाएंगे आर्च ब्रिज में। ये मकान पूरे अभी बने हैं, जब ऑल वेदर रोड बनी उसके बाद लोगों ने यहाँ पे मकान बनाने शुरू किए हैं। ये सब नए मकान है इधर ऑल वेदर पे, जितने भी आपको दिख रहे हैं। ये देखिए रास्ते में घोड़े भी खड़े हैं। चुपलिया ये ऊपर है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ जो गांव है ना, ये वाला, ये चुपलिया गांव है। ये देखिए, तो सब नए बने हैं ये मकान, जितने भी ऑल वेदर पे अभी तक आपने देखे, पीछे जो मैंने आप सबको दिखाए, वो सारे नए मकान बने हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेन भी आने वाली है, तो उसके लिए भी इनके जमीन को लिया जाएगा, इस वजह से लोगों ने जल्दी जल्दी मकान बनाने शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, मकान का तो मिलेगा ही, भले ही जमीन का ना मिले, मिलता है जमीन का भी मिलेगा। रेलवे वाले तो अच्छा पैसा देते हैं, फिर यहाँ पे आर्मी कैंट भी बन रहा है, सुनने में आया है। तो फिर देखो अब क्या होता है, इस गांव का विस्थापित होते हैं या क्या होता है, ये तो अभी हमें भी नहीं है पता, क्योंकि अभी तो हमने सुना ही है सिर्फ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन है बहुत अच्छी जगह पे हमारा गांव, पूरा प्लेन एरिया है, ऐसे हिल्स लगता नहीं है कि हम लोग हिल्स में है, प्लेन एरिया है। गाँव में रह के ऐसे शहर की याद नहीं आती है, ये तो बिल्कुल शहर ही लगता है। शहर में जाके बल्कि हम पहाड़ों को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर रह के हम शहर को याद नहीं करते, क्योंकि हमें ये बिल्कुल शहर ही लगता है। सब कुछ तो है यहाँ पे, बस थोड़ा हॉस्पिटल की कमी है। ये देखिए आर्च ब्रिज दिख रहा है, ये है आर्च ब्रिज। इस पुल के नीचे आपको पता है 3 पुल और हैं, अब मैं वहाँ पे जाके आपको बताऊंगी। जब टिहरी झील बढ़ती है तो ये पुल, ये 3 पुल पूरे डूब जाते हैं, ये 4th पुल है आर्च ब्रिज यहाँ पे। ये देखिए, ये है अभी जाके भी आपको दिखाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है ये गांव है। अभी नीचे ये पूरा पीपल मंडी मार्केट आएगा, ये देखिए, ये है पूरा पीपल मंडी और चिनाली सौड़, ये मिला हुआ है दोनों मार्केट। तो ये देखिए, वो दूर जो दिख रहा है वो आर्च ब्रिज आपको दिख रहा है। अभी ये जो नीचे है ना मार्केट पूरा, ये पीपल मंडी है। ये देखिए, अच्छा वहाँ पे उतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, वो देखो, वो नीचे पार्किंग है। अच्छा, तो पार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे खेत खाली है, तो खेत में यहाँ पे लोगों ने अपनी पार्किंग बना रखी है। अब समझ में आ गया मुझे, ये देखो कितना बड़ा मार्केट है, पूरा शहर ही लग रहा है, कहीं से लग भी नहीं रहा है कि ये गांव है। ये देखो, है ना कितना सुंदर व्यू है, वाओ नाइस व्यू, व्हाट अ ब्यूटी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुंदर ब्यूटी के लिए? ये देखिए सामने, देखिए पहाड़ के ऊपर ये बादल बदल नजर आ रहे हैं, कितने सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं, देखो जरा देखिए, कितना सुंदर व्यू है, और देखो कितना बड़ा है चिनाली सौड़ पीपल मंडी मिला हुआ है। बीच में यहाँ पे ये भी है,
कृषि विभाग का भी है यहाँ बीच में ना, कहाँ पे है केवी के सेंटर भी है, अभी दिख नहीं रहे। अच्छा ये हाँ ये है देखिए नीचे 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 वो सामने जहाँ पे आपको बहुत बड़ा फील्ड दिख रहा है सामने, यहाँ पे ये पूरा कृषि विभाग वालों का है, केवी के सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो उसके पास में बहुत सारे पेड़ है, वहाँ पे रोड जा रही है, वो रोड अभी हमने वहीं जाना है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रुकी हूँ थोड़ा, ये देखिए कितना बड़ा है चिनाली साथ और पीपल मंडी दोनों मिले हुए हैं। सामने कॉलोनी भी दिख रही है आप सबको, वो देखिए ये कॉलोनी है और उधर वहाँ पे वो मंदिर है, वो सुरकंडा माता का मंदिर है। जूम करूँ इसको, ये देखिए ये सुरकंडा माता का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है। और यहाँ बीच में वो उधर जहाँ पे बहुत सारे सफ़ेद सफ़ेद टंकियाँ हैं ना, ये कॉलोनी है पूरी, और वहीं पे डिग्री कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज की भी बिल्डिंग वहाँ पे दिख रही है। कितना सुंदर है, बस यहाँ पे थोड़ा डॉक्टर की कमी लगती है, कभी भी बीमार पड़ो तो सीधे देहरादून ही भागना पड़ता है। उत्तरकाशी भी जाएं, एचसी उसमें है, सरकारी हॉस्पिटल तो है यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, बट वही है डॉक्टर की कमी तो फील होती ही है, जिस वजह से फिर मरीज को भागना ही पड़ता है। बाकी देखो स्कूल वगैरह यहाँ पे सारे हैं, अच्छे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ऐसी बात नहीं है, एजुकेशन के लिए भी ठीक हो गया है पहाड़ों में, यहाँ पर सब कुछ है, बस थोड़ा सा डॉक्टर की ही कमी लगती है। बाकी रोड लाइट सब है, ये ऑल वेदर बनी है अभी, ये है ऑल वेदर। और नीचे आप देखोगे, अभी मैंने आपको दिखाई थी रोड, अभी दिख नहीं रही है जो वो मेन रोड है, तो नीचे ही दिखाऊंगी आपको, अभी यहाँ से दिख नहीं रही है ना भाभी, हाँ यहाँ से नहीं दिख रही, वो सामने अभी दिखाते हैं आपको। हाँ वो जो सामने दिख रहा है ना, वो जा रही है रोड सीधे ऋषिकेश के लिए सामने, ठीक है। तो ये है हमारा चिनाली सा, सभी को अपने गाँव से प्यार होता है, तो मुझे भी अपने गांव से बहुत प्यार है, अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे, शहर में जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, एक टाइम बाद जब बच्चे इंटर कर लेते हैं तो पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए, तो फिर देहरादून वैसे बड़ी सिटी में जाना ही पड़ता है, अपने पहाड़ों को छोड़ना ही पड़ता है। कभी पहले के लोगों ने नौकरी के लिए पहाड़ छोड़े, तो अब हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पहाड़ छोड़ने पड़ते हैं, ये भी एक मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, जाना भी पड़ेगा ही, जाना भी पड़ता ही है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन एट लास्ट एक टाइम बाद तो अपने गांव आना ही पड़ता है। जैसे अभी आपने हाल में ही देखा, कोरोना बीमारी ने सबको पहाड़ों में खींचा, वापस खींचा, अपने अपने गांव में सारे आए हैं, चाहे वो शहर वाले रहे हों चाहे वो पहाड़ वाले रहे हों, सबके सब अपने गांव आए हैं। तो चलते हैं अभी, मैं आपको लेके चलती हूँ अभी आर्च ब्रिज में, थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँगी उसको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आ गए हैं मेन पॉइंट में, वो जो आगे सामने रोड जा रही है वो जा रही है ऋषिकेश के लिए, और ये जो नीचे रोड जा रही है ये जा रही है हमारी पुरानी रोड, ये है चिनालीसर मार्केट के लिए, और जहाँ पे हमारी गाड़ी अभी रुकी है ये है ऑल वेदर रोड। तो ये तीन पॉइंट है यहाँ पे, वो देखिए ये है यहाँ का, ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है पूरा, BRO के द्वारा ये रोड बनाई गई है, ये है शिवालिक प्रोजेक्ट, इसमें पूरा दिखाया गया है कि चंबा ऋषिकेश मसूरी देहरादून कितने कितने किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए हम लोगों को जाना है नीचे, क्योंकि हमें मार्केट जाना है अपने मार्केट, तो हम लोग आ गए हैं नीचे। अभी भी गाड़ियाँ नीचे के रास्ते आ रही हैं, जब लेकिन जब यात्रा थी तो ऑल वेदर से ही जा रही थी, ये लोकल बस है ना, तो ये अपनी सवारी लेने के लिए आती है यहाँ से, तो ये मार्केट से ही आएगी लोकल बस, ये ऋषिकेश जा रही थी बस। अभी ये देखिए कितने बड़े बड़े होटल हैं यहाँ पे, ये पीपल मंडी मार्केट में आए हम अभी, ये है पीपल मंडी मार्केट, ये कितना बड़ा पीपल का पेड़ है यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाँ शायद यही पड़ा होगा। ये है पीपल मंडी मार्केट, ये
लोकल मार्केट हमारा मिल जाती है, जरूरत की सारी चीजें मिल ही जाती हैं यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत कभी कभी जाना पड़ता है शॉपिंग के लिए देहरादून वगैरह, बाकी सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, राशन वगैरह हर चीज़ तो मिल ही जाती है, बाकी थोड़ा बहुत कमी तो कहीं ना कहीं रही जाती है, हर चीज़ तो कहीं नहीं मिलती है। अभी अगर हम देहरादून की शॉपिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ पे हमारी पसंद के लिए मिली, तो फिर हम और आगे जाएंगे, दिल्ली जाते हैं, यहाँ जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, तो बस यही है, हर मार्केट का हाल यही होता है, हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। इतना बड़ा मार्केट है देखो, यहाँ से नीचे हम जा रहे हैं आर्च ब्रिज और सामने है चिनाल सड़क मार्केट, लेकिन अभी हम नीचे जा रहे हैं ना आर्च ब्रिज के लिए, इस पुल के द्वारा पता नहीं कितने गांव जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पुल को बनाना भी बहुत जरूरी था। टिहरी झील के कारण इस पुल के नीचे तीन पुल और है, ये चौथा पुल है, और जब भी टिहरी झील बढ़ती है तो ये सारे तीनों के तीनों पुल डूब जाते हैं, यही आवागमन का साधन फिर इसी को भी बनाया गया। यहाँ से तो कितने सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, व्यापारी आते हैं, गाँव के लोग आते हैं सामान लेने, शादी ब्याह होती है, कई चीजें होती हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी, जब टिहरी झील बढ़ती है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन अब नहीं होती, जब से ये आर्च ब्रिज बना है ना अब नहीं होती है। ये है देखो, तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं आर्च ब्रिज में, मैं वहाँ का आपको थोड़ा व्यू दिखा दूँ। ये वाला जो रूट है ना, ये आर्च ब्रिज वाला, ये शॉर्टकट रूट है, यहाँ से हम लोग ऋषिकेश भी जाते हैं, एक रूट ऋषिकेश जाता है तो एक चंबा ऋषिकेश, एक जाता है लंबगांव और एक जाता है श्रीनगर के लिए। एक तो रोड उधर, एक जो मैंने आपको ऊपर बताया, एक रोड तो वो है ऋषिकेश वाली, और एक रूट ये जाता है, ये वाला जो जा रहा है जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी, ये शॉर्टकट रूट है ऋषिकेश के लिए, तो कई बार हम लोग यहाँ से भी जाते हैं, बट अब वहाँ पे रोड सही नहीं है, अब ऑल वेदर सही बन चुका है, तो अब हम लोग ऑल वेदर से ही जाते हैं। तो ये देखिए, ये है आर्च ब्रिज, थोड़ा आपको यहाँ का व्यू भी दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आर्च ब्रिज से कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, हर जगह आपको यहाँ गंगा माता ही नज़र आएगी, जितने ब्लॉग मैंने बनाई है आपको गंगा माता ही नज़र आ रही है हर ब्लॉग में। ये देखिए, हाँ ये है गंगा मैया, और ये जा रहे हैं हम अभी आर्च ब्रिज में, ये है आर्च ब्रिज के लिए, ठीक है। इस पुल को बनाए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4-5 साल ही हुए होंगे, हाँ। और इसके नीचे मैंने आपको बताया था भी कि 3 पुल और हैं, ये चौथा पुल है, अभी जब टिहरी, अभी सर्दियाँ आने वाली ना, अभी टिहरी झील भर जाएगी, फिर वो तीनों पुल डूब जाते हैं, और बिल्कुल आपको निशान बता दूँ कहाँ तक पानी बढ़ जाता है, वो देखिए वो सामने आपको दिख रहा है ना, ये जो निशान दिख रहा है ना आपको सामने, यहाँ तक पानी भर जाता है पूरा ऊपर तक, वो जो सामने गांव दिख रहा है ना, उस गांव तक पानी भर जाता है पूरा, जब टिहरी झील बढ़ जाती है, अब जब बढ़ेगी ना फिर मैं आपको दिखूंगी, ये जो गांव दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ तक घूम जाता है, निशान आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा कहाँ तक आती है टिहरी झील पूरी, ये निशान दिख रहा है पूरा, ये देखिए जो निशान दिख रहा है ना आपको, पर बस थोड़ा सा रोड से थोड़ा सा नीचे तक रहता है पानी, पूरा इतना भर जाता है यहाँ पे। खतरा तो है यहाँ पे बहुत अभी, लेकिन लोग फिर भी रह रहे हैं, गांव अभी छोड़ने को तैयार नहीं है अपने, देखो कब तक रहते हैं। और इधर भी दिखा दूँ थोड़ा नीचे की तरफ आपको मैं, ये देखिए यहाँ है, अभी तो ठीक है,
नदी में पानी, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद अब सितंबर से झील भरनी शुरू हो जाती है, फिर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं नीचे के पुल दिखाती हूँ आपको, इसके नीचे तीन पुल और हैं, ये चौथा पुल है। ये देखिए पुराना रास्ता, ये है पुरानी रोड है वाली। ये वाली जो नीचे दिख रही नहीं, टूटी हुई टूट गई है, ये पुरानी रोड थी पहले। ये उधर नीचे पुराना पुल है, उस पुराने पुल पे जाते थे। आर्च ब्रिज तो बाद में बना है ना, पुराना वाला पुल दिखाती हूँ आपको, अगर दिखेगा तो पुराना पुल दिखाती हूँ अभी आपको, दिखना तो चाहिए। ऐसे ऐसे तीन पुल है इसके नीचे। हाँ पुल तो सामने से दिखता है यार, सामने से दिखाना। ये देखो पुल के क्या हाल हो गए, देखो जबकि अभी इसे बना हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए कितना टूट फूट गया है, पुल बिल्कुल टूट गया है। गाय देखो कैसे बैठे थे, नीचे का देखो, मुझे तो खुद डर लगती है नीचे देखने में। वो देखिए नीचे गाय कैसे बैठ रखी है, बिल्कुल आराम से देखो। और अगर अभी पानी बढ़ गया ना, ये है पुराना रास्ता, ये देखो आप नीचे रोड दिख रही है आप लोगों को, ये है पुरानी रोड और इसी के नीचे है पुल, वो तो रहा आगे से देखिए। हाँ ये दिख गया पुल, मुझे यहाँ से भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है पुराना पुल देखा, ये देख। हाँ ये देखिए दो पुल है, ये दिखा आपको, ये दो पुल है, इसके नीचे एक और पुल है, ऐसे से एक और पुल है, तो सब टूट गए, टूट तो गए हैं। ये देखा आपने, ये हाल है दो पुल, और ये है चौथा पुल आर्च ब्रिज। तो इधर से दिखा दूँ आपको थोड़ा, और इधर से तो नहीं दिखेगा, इधर से नहीं दिखेगा ना, इधर से दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा सा, दिख रहा है ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा ही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे शिवालय भी है, जय भोलेनाथ। ये हमारी गंगा मैया, गंगा मैया के दर्शन करके तो आनंद ही आ जाता है। चलो आज भी गंगा माँ के दर्शन हो गए, ये देखिए कितना सुंदर दिख रही है। ये देखिए वो जो सामने रोड दिख रही है ना, ये ऋषिकेश किले जा रही है, मैंने बताया था ना भी आपको, और यहाँ से भी हम लोग शॉर्टकट जाते हैं, स्कूल से कहीं भी शॉर्टकट जाते हैं यहाँ से। ये गाँव ये देवी स्वर्ण है ऊपर, ये वो देखिए वहाँ पे माता रानी का मंदिर, ये भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ पे, ये देवी स्वर्ण गांव है ऊपर, सुनार गांव है, ये ऊपर सुनार गांव है, ऊपर सुनार गांव, ठीक है ना। सर्दियों में यहाँ पे मेला लगता है, जो नीचे आपको फील्ड दिख रहा है, अभी माघ के महीने माघ मेला लगता है यहाँ पे, अभी आपको दिखाती हूँ, इधर नहीं आगे से दिखेगा। नगर पालिका भी चिनाली सौड़ भी नगर पालिका क्षेत्र में आ चुका है, तो उस मेले की पूरी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की जाती है, बहुत अच्छा मेला लगता है। हाँ हाँ जिला पंचायत है सर। अब तो नीचे अच्छा रास्ता बना है उन्होंने, माँ गंगा देखिए डर लग रही है, तो फील्ड दिख रहा है पुराना वाला, पुराना वाला। हाँ
ये देखिए पुल, देखा आपने? हाँ अभी सितंबर में झील बढ़ेगी ना, ये दोनों पुल डूब जाएंगे। ये दोनों पुल क्या, ये देखो सामने देखिए, वो जो स्कूल दिख रहा है ना उसके बिल्कुल नीचे तक आ जाती है गंगा जी, पूरी भर जाती है, पूरी झील भर जाती है। बाद में दिखाऊंगी आपको जब झील भरेगी ना, उसमें दिखाऊंगी आपको। खतरा है बहुत यहाँ पे गाँव वालों के लिए, लेकिन सब अपनी इच्छा से रह रहे हैं। मैं तो चेतावनी तो दी गई है कि यहाँ पे ना रहें, लेकिन रह रहे हैं सब अपनी इच्छा से। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। अभी थोड़ा मैं गंगा माँ को जरा हाथ जोड़ लूँ। ये देखिए माता रानी की डोली आ रही है। हाँ तो इस तरह से यहाँ पे तो कई डोलियाँ आती रहती हैं, क्योंकि सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो ये भी गंगोत्री ही जा रही होगी गंगा स्नान के लिए। यहाँ दिन भर में ऐसे पता नहीं कितनी माता रानी की डोलियाँ आती हैं, देवी देवताओं की डोलियाँ आती हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए आप यहाँ का व्यू, ये है पूरा चिनाली फॉर पीपल मंडी। वो ऊपर देखिए, अभी हम जब ऑल वेदर से आए थे, मैंने आपको दिखाया था ना बच्चों का स्कूल, और इस समय भी देखिए ये, देखिए ये है बच्चों का स्कूल, पहली बात है स्कूल यहीं पढ़ते हमारे बच्चे। अभी मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ, उससे मैंने फ्रंट साइड से दिखाया था ना आपको, अभी हम बैक साइड से दिखा रहे हैं आपको ये पूरा। ये देखिए ऊपर टॉप में कितना सुंदर भी है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है भाभी, हम लोगों का घर नज़दीकी है तो हम लोग साथ ही मार्केट आते जाते रहते हैं। अभी हम दोनों के बच्चे स्कूल है, तो अभी हम आज घूमने आए हैं साथ में। थोड़ा सा मैंने आपको आर्च ब्रिज के बारे में बताया, पूरा चिनाली से भी थान दिखाया, पीपल मंडी दिखाया। तो अब हम जा रहे हैं घर, थोड़ा भी पहले हम आइसक्रीम खा लें, आइसक्रीम खा लेते थोड़ा सा है ना, फिर चलते हैं हम भी घर को। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, अभी घर जाना है, बच्चे भी आने वाले हैं। खाना तो बना के आए हैं हम, आज तो हम खाना बना के ही आए हैं। घूमना था तो अपना काम निपटा के ही आना पड़ता है, ऐसे नहीं आ सकते हैं। तो अभी हमें मार्केट में कुछ काम है, तो वैसे भी बहुत टाइम लग ही जाएगा हमें मार्केट में। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अभी और